नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज जो हम एक नॉलेजफुल वीडियो लेके आए हैं, वैसे तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है पावर सिस्टम की, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन उसके बीच में मैंने बोला था कि मैं नॉलेजफुल वीडियो और फैक्चुअल वीडियो भी लेके आता हूँ, क्योंकि जब चैनल का नाम यूपीपीसीएल क्रैकर है तो सिर्फ लेक्चर के साथ साथ सिर्फ लेक्चर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं रहता, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल जेई के नीचे क्या क्या स्टाफ रहता है और यूपीपीसीएल जेई जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो हेडिंग है स्टाफ ऑफ यूपीपीसीएल अंडर जेई एंड पोस्टिंग, यानी यूपीपीसीएल जेई के नीचे कौन कौन सा स्टाफ रहता है और पोस्टिंग क्या क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली स्टाफ रहता है यूपीपीसीएल के अंडर, वो रहता है जेई तो खुद होता है जो आप बनेंगे यूपीपीसीएल का एग्जाम क्लियर करके, संविदा कर्मी रहेंगे आपके नीचे। ठीक है, संविदा कर्मी कौन से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के एम्प्लॉय होते हैं। कुछ एम्प्लॉय जो यूपीपीसीएल है वो आउटसोर्सिंग से भरता है, ठीक है, वर्कर्स को, उसको बोलते हैं संविदा कर्मी। ठीक है, फिर लाइनमैन रहते हैं। लाइनमैन क्या रहते हैं, जो फील्ड में जैसे खंबे पे कोई फॉल्ट आता है तो उसको चढ़कर वहां पे रेक्टिफाई करना। ठीक है, और जो यूपीपीसीएल का सबसे मुश्किल काम करते हैं, ठीक है, फील्ड का, वो लाइनमैन रहते हैं। ठीक है, कोई 33 KV की लाइन है, 11 KV की लाइन, अगर उसका ब्रेक डाउन होता है तो जेई जो रहता है वो बेसिकली नीचे खड़ा रहता है। ठीक है, वो गाइड करता है, ठीक है, लाइनमैन वगैरह को कि भाई यहां से ये हटा दो, आइसोलेटर हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जब डिस्कनेक्शन करना पड़ता है, डिस्कनेक्शन का क्या मतलब रहता है, जैसे लोग कभी बिल नहीं देते तो फिर हम क्या करते हैं, लाइन ही कटवा देते हैं, तो जेई साहब नीचे खड़े रहते हैं, जो लाइन काटते हैं ना, ऊपर लाइन काटते हैं, वो लाइनमैन रहते हैं। ठीक है, फिर रहते हैं हमारे पास टीजी टू क्या रहते हैं, जो 33/11 KV का पावर हाउस होता है या फिर कोई ट्रांसमिशन का पावर हाउस होता है 132 KV का, 220 KV का, उसके अंदर जो बेसिकली टेक्नीशियन लेवल का काम रहता है, टेक्नीशियन लेवल का काम, जैसे कि पैनल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है, या फिर कह सके आइसोलेटर को ऑन करना, ऑफ करना। ठीक है, और शट डाउन लेते समय भी जब जेई डिस्ट्रीब्यूशन का किसी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में शटडाउन लेने जाता है तो जेई सिर्फ वहां दोस्तों कागजी काम करता है शटडाउन का, मेन जो शटडाउन का काम करता है वो ये TG2 वगैरह ही करते हैं, कट करके आइसोलेटर को लाइन काट दी ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे TG2 रहेंगे। ठीक है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन रहते हैं वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहेंगे, कुछ यूपीपीसीएल के खुद के होते हैं और कुछ प्राइवेट पे लिए होते हैं। ठीक है, फिर अकाउंटेंट रहता है, लेखपाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, कैशियर रहता है, कैशियर जो रहता है बेसिकली ये 33/11 KV का जो बिजली घर रहता है वहां पे आपको कैशियर मिल जाएगा, कहते हैं बिल जमा करते हैं, बिल जमा करते हैं और वो रसीद दे देता है। ठीक है, बिल जमा वगैरह जो होता है वो पावर हाउस की खिड़की पे वो कैशियर द्वारा होता है। जो TG2 होते हैं, TG2 एक प्रकार की यूपीपीसीएल की ना ऑलराउंडर कैडर की पोस्ट है, कुछ TG2 जो रहते हैं वो कैशियर का काम भी करते हैं। ठीक है, तो TG2 की पोस्ट को ही कुछ कैशियर भी लगा देते हैं। ठीक है, कैशियर रहा, ऑफिस असिस्टेंट रहता है। ऑफिस असिस्टेंट क्या रहता है, जो बाबू रहते हैं, बाबू नहीं होते यूपीपीसीएल के, वो ऑफिस असिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, चपरासी रहता है। ठीक है, ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर क्या रहता है, ड्राइवर आजकल संविदा पे भी रखे जा रहे हैं, पहले पक्के रखे जाते थे, यानी पहले पक्के ड्राइवर रखे जाते थे, आजकल सुनने में आ रहा है शायद संविदा पे हैं ड्राइवर। ड्राइवर जो होते हैं यूपीपीसीएल जेई को, जो ड्राइवर रहता है, जो कार होती है यूपीपीसीएल जेई को वो नहीं मिलती है। ठीक है, ड्राइवर और कार जो रहते हैं वो SDO के रहते हैं, क्योंकि SDO जो रहती है, SDO पूरे सब डिवीजन को संभालता है, तो ड्राइवर और SDO जो रहते हैं, ड्राइवर SDO को मिलता है, कार SDO को मिलती है। लेकिन हाँ, ड्राइवर का प्रयोग कब यूज करा जाता है, ड्राइवर जो रहता है यूपीपीसीएल की जो गाड़ी रहती है उसे चलाता है जेई, जेई जब चेकिंग करने जाते हैं, चेकिंग कहाँ पे, जहां पे बिजली की चोरी हो रही होती है, पावर थेफ्ट होता है, वहां पे जब चेकिंग करने जाते हैं तो ड्राइवर साथ में मिलता है। ठीक है, तब गाड़ी में जाता है यूपीसीएल जेई। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टमैन होते हैं, कैश काउंटर ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा स्टाफ रहता है, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ स्टाफ में यही आता है। ठीक है, तो ये आपका स्टाफ रहेगा। उसके बाद ये बॉक्स है, ये दिखा रखा है कि जेई की पोस्ट है और इस जेई की पोस्ट को किस किस डिपार्टमेंट में दिया जाता है। तो जब आप पेपर क्वालिफाई करेंगे तो जो जेई की पोस्ट होगी
ये डिपेंड करती है किस डिपार्टमेंट में कैसी सीट है, आपकी चॉइस प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जेई अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में बनते हैं, ठीक है, जेई अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में बनते हैं तो भाई आप मोस्ट पावरफुल बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जेई में आपको ऐसे अफसर वाली फीलिंग आएगी ना जैसी कहीं नहीं आती। रुतबा होता है 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन में, सबको पता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन में आप दिखाई देते हैं लोगों को, आप लोगों के सामने बात करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जेई बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारे मैनेजेबल स्किल भी होने चाहिए कि जनरल पब्लिक से आप कैसे डील करते हैं, ठीक है ना, आपका बात करने का तरीका कैसा है, अच्छा है बुरा है, क्योंकि दोस्तों आप जैसा काम करेंगे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जेई इज जस्ट लाइक अ प्रिंस, एक शहजादे की तरह होता है, उसका अपना रुतबा होता है, ठीक है, रॉयल जॉब सी होती है डिस्ट्रीब्यूशन जेई की, ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जेई इज टफ। ठीक है, जेई ट्रांसमिशन, ठीक है, दूसरा होता है जेई ट्रांसमिशन। जेई ट्रांसमिशन को ट्रांसको जेई भी बोला जाता है, ठीक है, जेई ट्रांसमिशन को, जो ट्रांसमिशन जेई है, ठीक है, ये इसको ट्रांसको जेई भी बोला जाता है, ट्रांसको जेई भी बोला जाता है इसको। यहां जॉब रिलैक्सफुल है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं, ठीक है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पब्लिक से कोई मतलब ना रखे, बस आप इलेक्ट्रिकल का काम करते रहें, ठीक है, सुकून भरा काम, और फील्ड वर्क भी बहुत कम होता है ट्रांसमिशन में, ये पूरी प्योरली फील्ड की जॉब है। यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन में यू हैव टू डील विद द पब्लिक, इट्स अ प्योरली फील्ड जॉब। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसमिशन, ट्रांसको, तो ट्रांसको में सिर्फ आपको सप्लाई कंटिन्यूटी रखनी होती है, जो बड़े पावर हाउसेज होते हैं 132 केवी के, ठीक है, 220 केवी के, 400 केवी के, तो ट्रांसमिशन में बहुत बढ़िया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से प्यार करते हैं तो ट्रांसमिशन चूज करिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल और जनता दोनों के लिए काम करना चाहते हैं देन ये डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर यू। तो अपने अंदर झांक के देखिए आप किसके लिए बने हुए हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन, ट्रांसको, ठीक है। फिर हमारे पास एक और जेई होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप जेई। ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप जेई जो होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में टेस्टिंग कराना, ठीक है, वर्कशॉप होती है ट्रांसफॉर्मर की जहां से ट्रांसफॉर्मर मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग जेई होता है ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप जेई। ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग, वाइंडिंग वगैरह ठीक है नहीं है सब कुछ ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप में होता है, तो एक जेई ये होता है। एक जेई स्टोर का भी होता है, ठीक है, स्टोर क्या होता है, जो सामान होता है बिजली विभाग का सारा स्टोर के अंदर रहता है, उस स्टोर की देखभाल सारा कुछ स्टोर जेई के अंदर रहता है। फिर रहता है जेई कंस्ट्रक्शन। जेई कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली ये सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट है, ठीक है, किसी सबस्टेशन को बनाना, उसके लैंड की डिजाइन करना, उसका एस्टिमेट देखना कितना खर्चा आएगा इस पे, कैसे बनेगा, किसी ट्रांसमिशन टावर को लगाना, ठीक है, उसके लिए जमीन देखना कहाँ पे खाली है कहाँ पे नहीं है, जेई सिविल का काम रहता है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जेई सिविल जाते हैं मोस्टली। फिर होता है जेई मीटर। जेई मीटर मीटर वगैरह के लिए होता है, ठीक है, मीटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट वगैरह में जेई मीटर होता है, ठीक है। फिर जेई रेवेन्यू अलग होता है, ठीक है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है हमारा, वहां पे जेई रेवेन्यू जाता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप, स्टोर, कंस्ट्रक्शन, मीटर, रेवेन्यू और ट्रांसमिशन, ठीक है। इन सारे डिपार्टमेंट में से जो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट रहता है, अगर आपको अपनी जिंदगी भी जीनी है, जिंदगी भी जीनी है और लाइफ में और एक्टिविटीज भी करनी है और इलेक्ट्रिकल से प्यार है, तो नंबर वन पे जो डिपार्टमेंट यूपीपीसीएल का माना जाता है वो ट्रांसमिशन माना जाता है। नंबर वन सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। टॉप रैंकर्स जो होते हैं हमेशा वो ट्रांसमिशन ऑप्ट कर लेते हैं, सीटें भर जाती हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है। टॉप वाले बच्चे को कभी देखना डिस्कॉम नहीं लेता, वो ट्रांसमिशन ही लेता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ताकत, कई लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है कि नहीं बस मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपको टाइम मिल जाएगा बाकी सब एक्टिविटीज का, लेकिन ट्रांसमिशन के मुकाबले बहुत कम मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है, संडे की भी छुट्टी चली जाती है, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, संडे को कोई फॉल्ट आ गया फील्ड पे आपको जाना पड़ेगा। ट्रांसमिशन में मोस्टली संडे चिल एकदम एंजॉय कर सकता है बंदा, संडे को कहीं घूमने चला जाए, कोई कुछ हो जाए, तो ट्रांसमिशन
बेस्ट रहता है और सेकंड नंबर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस जो भी बच्चा टॉप मारता है उसकी ट्रांसमिशन ही होती है, बहुत ऐसा रेयर देखा गया कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले ले, और बाकी ये सब डिपार्टमेंट भी होते हैं लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट चॉइस नहीं रहते बच्चों की जितना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो धन्यवाद भाइयों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है, मस्त इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्लेलिस्ट में जाके मेरे लेक्चर्स देखिए, पावर सिस्टम चल रहा है, उसके बाद मशीन पढ़ेंगे, फिर जनरेशन, फिर स्विच गियर, फिर यूटिलाइजेशन। धन्यवाद।